दारू वाला कहानी कौन बताया आपको? दारू वाला कहानी पूरा बिहार में सो रहे दारू पर मर है और जानते नहीं कि दारू वाला कहानी। दारू के कहानी में कितना लटपटाई है और गुप्तेश्वर बाबा कितना जो है कि सब आके यूट्यूब पर फेसबुक पर दारू वाला के बारे में बोले हलथिन और पूरा गुप्तेश्वर बाबा का बोले गुप्तेश्वर पांडे हाँ हाँ वही DJP वो दारू वाला के सबके धरतोनी के मिली भगत के कारण थाना क्षेत्र में दारू बिकी है। सब प्रशासन सचेत हो जाओ। तो गुप्तेश्वर बाबा का हाँ गुप्तेश्वर बाबा बोले थे तो गुप्तेश्वर बाबा कहिएगा कि गुप्तेश्वर बाबा कैसे जान गए? तो आप DJP थे तो जान ही ना रहे, पूरा बिहार के जान रहे थे कहाँ कहाँ का हो रहा है। सही बोले थे गलत बोल रहे थे? बिल्कुल सही बोले थे, एकदम सही बोले थे, वो जान रहे थे। गुप्तेश्वर बाबा सही आदमी है? है सही आदमी है गुप्तेश्वर? ना देखे सही आदमी, अब सर्टिफिकेट ना ना सबके हम दे सकते हैं कि सही आदमी और गलत आदमी। तो नेता हो गए के गुप्तेश्वर जी, तो नेता हो गए अभी, उनको जानता कहाँ है नेता एक्सेप्ट किया हो गया रिसर्ट। वो चल गए पार्टी में ना, नीतीश जी के पार्टी में चले गए, पार्टी में चल गए ना। अरे नेता अभी नेता जो कुछ काम अभी क्षेत्र में किए कहाँ, अभी तो प्रशासन में थे तो अभी नेता वाला काम कहाँ किए। जनता के बीच में सेवा हुआ, अब पार्टी में जुड़े हैं तो वो माध्यम से करेंगे तब ना। वो तो सेवा कर रहे थे जनता के जो प्रशासन विभाग में आके है, तो नेता उनका बनने का चाहत हुआ पार्टी में जुड़े। अभी उनका पटिया टिकटवे ना दिया, इतना धोखा दिया नीतीश कुमार, उनके साथ भी पलटी मार दिए, पलटी हो गया। अब गुप्तेश्वर बाबा सोच में पड़ल होते हाँ, क्या सोच रहे होंगे? सोचे कि नौकरी में रहते कुछ समाज के कल्याण करते, अब ओकरो से वंचित वहू हो गलन वंचित गुप्तेश्वर बाबा, अब क्या करबा बाबा। तो अभी अभी जो है कि चार चुनाव में टिकट के बात थलवा, तो टिकट तो मिल रहा नीतीश कुमार दिलथू ना। तो अभी कुछ दिन जो है अभी जो झाल मंजीरा लेके कीर्तन गए थे ना, अब क्या करते हमारे बाबा कीर्तन है ना गए थे, अब 5 साल बाद ना चुनाव होते, फिर चाहे लोकसभा के चुनाव में ट्राई करतन, यही ना होता। लेकिन अभी क्या करतन कीर्तन, नीतीश कुमार नौकरी छोड़वा के कीर्तन गवा दिलन बाबा से। अच्छा। हाँ तो बाप रे बाबी इतना बड़का मैंने पलटी, इन्हें तो सब तेज तेजस्वी कहे पलटी मारे वाला चाचा हाथ। गुप्तेश्वर पांडे तो SP रहे औरंगाबाद के लंबे समय तक। क्या नाम है भी आपका? ब्रिजराज पांडे। ब्रिजराज जी, गुप्तेश्वर पांडे SP रहे हैं यहाँ पे लंबे समय तक। जी कब से कब तक रहे हैं? लगभग 1.5 वर्ष रहे थे। 1.5 वर्ष रहे थे। 48 में थे सर। 97 97 अरे 97 कहाँ मरा? 47 90 90 90 90 के टाइम 90-95 के बीच में यहाँ रहे थे गुप्तेश्वर बाबा। कैसा था उनका काम काज? बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया काम था उनका, गुप्तेश्वर जी का बहुत बढ़िया काम, बहुत जब तक रहे तब तक बहुत अच्छे से रहे, ढंग से रहे, कोई दिक्कत नहीं। पुलिस में रहना चाहिए था कि नहीं उनको? जी पुलिस में रहना चाहिए था कि जो रिटायर नहीं एकदम रहना चाहिए, जो छोड़ के दिए सही किए? नहीं सही तो नहीं किए, अगले बार भी छोड़ दिए थे इस बार भी छोड़ दिए। हाँ। अगले बार भी छोड़ दिए थे इस बार भी छोड़ दिए थे। बक्सर से लोकसभा टिकट हुआ था कि टिकट मिल जाएगा, नहीं लोकसभा बाद में उनकी पत्नी जाके बोली कि इनका मानसिक स्थिति खराब है, नौकरिया लौटा दीजिए, तो नौकरिया तो लौट गया लेकिन अब कहाँ लौटेगा। क्या क्या हुआ था ये बड़ी नई बात बताया आप? हाँ। अगली बार जब गुप्तेश्वर लोकसभा टिकट लड़ने से लोकसभा टिकट के लिए दो बक्सर वाला कि हमको मतलब ये बातें चलती है गुप्तेश्वर पांडे इससे नकारते हैं? नहीं नहीं नकारते नहीं है, ये तो ऑन रिकॉर्ड चीज है। जब वो रिजाइन मार के नौकरी से रिजाइन मार कर चुनाव लड़ने के लिए गए तो उनका चुनाव तो टिकट तो मिला नहीं, चुनाव तो लड़ नहीं पाए, तो नौकरी भी चली गई और टिकट भी नहीं मिला, और उनका अभी एज अच्छा था कि नौकरी वो कर सकते थे। तो अब किया क्या जाए, तो उनकी पत्नी गई नीतीश कुमार जी के पास, तत्कालिक सरकार के पास, और कहीं कि ऐसा कीजिए कि नौकरी वापस कर दीजिए, इनका मानसिक स्थिति खराब था इसलिए ये ऐसा कर दिए। अब मानसिक स्थिति ठीक हो गया तो वापस नौकरी में रख लीजिए। रख लिए तो नीतीश जी का तो ट्रैक है ना भाई, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगा नहीं। जीतन राम मांझी को ठग लिए, CM बनाया, जीतन राम मांझी जी उनके मुताबिक चले नहीं तो उनको हटा के रातों रात सत्ता पलट लिए। लालू जी के पास जाके बोले कि सरकार बना दीजिए, मदद कर दीजिए, हम तो इस बार बर्बाद हो जाएंगे, आप मदद कर दीजिए। लालू जी सारा चीज़ भूल भाल के उनके साथ व्यक्तिगत और राजनीतिक लड़ाई छोड़ करके उनके साथ मिल गए, सरकार बना दिए, और फिर क्या हुआ उनको भी पलट के रातें रात BJP से मिल गए। अगली बार BJP के साथ जब लड़े थे तो BJP को एग्जाम्पल
बीजेपी को परिभाषित किए थे, जबकि बीजेपी से लड़ गए थे नीतीश कुमार लेटर लिख के कि बिहारियों का डीएनए मत दिखाइए मोदी जी, बिहारियों का डीएनए मांग लिए थे। अब इनका कौन डीएनए था ये तो पता नहीं चला इस पर। लेकिन आप लोग नीतीश कुमार के अगेंस्ट हैं, एक सेकंड, नीतीश कुमार के अगेंस्ट हैं आप लोग। हम लोग तो मजाक में कई सारी बातें कह देते हैं, पूछ लेते हैं आप लोगों से, लेकिन नीतीश कुमार के अगेंस्ट हैं? नीतीश कुमार नहीं तो कौन? नीतीश कुमार नहीं तो इस बार सीधा और सीधा लड़ाई आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का ही है, उसका कारण है, इसका कारण है युवा उम्मीदवार तेज रफ्तार ना रखे तो संदा तेज रफ्तार तेजस्वी। इसका कारण है कि आप जब किसी से बात कीजिएगा, आप जब नेताओं का बयान सुनिएगा तो उनके किसी कुछ कुछ नेताओं के बयान में विश्वास झलकता है। आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो बयान दिया कि पहले कैबिनेट में पहले कलम से 10 लाख युवाओं को रोजगार, और उसके पीछे कारण भी बताया कि कैसे रोजगार, ये हमको पता है, हमको भरोसा है कि उनके इस बयान पहले कैबिनेट ने पहली कलम से 10 लाख युवाओं, हाँ 10 लाख युवाओं को रोजगार। आप देखिए अभी बात कर रहे होंगे तो आपको एक बता रहे थे साथी कि मेरा टेट निकल गया है, और उनका गए वो अभिनय जीते ना, हाँ उनका टेट निकल गया, ये लोग भी हैं नहीं, इन लोगों को नौकरी मिला, दौड़ा दौड़ा के रह गए। अभिनय जी चढ़ाए रखिए, अरे ये सब नहीं करना होता कोरोना वोरोना के समय, इलेक्शन तो हो ना रहा, देख भीड़ एकदम खचा खच भरा लाए, इलेक्शन करवा रहे हैं है ना, और कोरोना के डर से लोगों को डरा रहे हैं, अब स्कूलें वाले खुलवा रहे हैं, और नीतीश कुमार गजब के कमाल दिखा रहे हैं, हाँ गजब के कमाल, हाँ पूरा पूरा देखिए का भाई, दुर्गा पूजा ना होता लेकिन वोट पड़तावा, ताकि चाहत लब लब करिहत कि फिर हम कुर्सी पर बैठब, लेकिन अबरी जनता ना बैठे देते नीतीश चाचा, अबरी उनका छोड़े वाला ना एनबीआर के जनता।